नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम इतने खुश इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है और आज ना पता है बहुत तेज बारिश आ रही थी यहाँ पे, तो हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे लेकिन बहुत तेज बारिश आने की वजह से हम नहीं गए, हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर हमने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि भाई व्लॉग भी तो बनाने हैं। तो आज का प्लान ये है कि आज का कोई प्लान नहीं है और ये हमारा इस साल का पहला व्लॉग है। ओ हाँ, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई होप कि आप लोग का दिन, आप लोग का साल बहुत अच्छा गुजरे और आप लोग बहुत तरक्की करो और हम भी बहुत तरक्की करें और हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स गेन हो जाए और ये करने फैमिली बहुत 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 बड़ी हो यूट्यूब वाली। प्लीज टू सब्सक्राइब इट अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने किया है तो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सबको दिखाओ और सब्सक्राइब करने बोलो। बैक टू द पॉइंट, तो अभी हम जा रहे हैं अपने शॉपिंग सेंटर में। आई लव शॉपिंग, तो मैं सोचती हूँ कि शॉपिंग व्लॉग आने चाहिए। बाय द वे आई विल शो यू, हमारे घर में बहुत कलाकार लोग रहते हैं तो उन्होंने ना ये सब लगा रखा है पूरे एरिया में, देखना पूरे रास्ते में। शहंशाह का स्वागत किया जाए चप्पलों के साथ। मैं ना अभी यहाँ पर आई हूँ ट्रायल रूम में, तो मैंने ये दो चूज किया है। ये ग्रीन रनीस में डिफरेंट दिख रहा है पर ये पैरेट ग्रीन है और एक ये टॉप। सो आई जस्ट ट्राई एंड शो यू गाइस कि कैसा लगेगा ये मेरे में। अभी ना हम यहाँ पर आए हैं केमिस्ट वेयर हाउस में, हम अपनी चीजें लेने आए थे तो हम मम्मी के लिए ना परफ्यूम ले रहे हैं क्योंकि मम्मा का बर्थडे आने वाला है। तो हम सोच रहे हैं ये वाला ले, तो अब हमने ले लिया, बहुत ही महंगा था। मम्मा शावर जेल की तरह बहुत यूज करते हैं। हाँ पता है हमारी मम्मी क्या करती है, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लेते हैं ना, मम्मी चार पांच बार लगा लेती है। गाइस मेरा सीरम खत्म हो गया और मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पे देखो ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है, पर मुझे आज मिल गया, यहाँ पे दो बचा हुआ है, मैं ले लेती हूँ। दिखा देती हूँ मेरी बहन कैसे पांडा बनते जा रही है, इसीलिए उसको चाहिए। यार मेरा तो डार्क सर्कल हो जा रहा है, इसकी जवानी में बुढ़ापा आ रहा है। गाइस आज मैं ये लेकर आई हूँ अपना प्यारा जो मैंने बनाया था, अब मैंने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा बनाने का। इसको शर्म आ रही है, मैंने ऐसे प्रिटेंड कर दिया कि बहुत फेमस लड़की है और मैं इसकी वीडियोग्राफर हूँ। ऐसे अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है इसलिए देखो कितनी सारी चीज़ें लगा दी है मेरे को जलाने के लिए। मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है ना ये देख के, मेरे तो किडनी जल गई ये सब देख देख के। ये देखना कौन है वो लड़का, कौन है वो राजकुमार जो मुझे ये देगा। वैसे हमने दो ये ले लिया है KFC, हमने दूसरा चाहिए था लेकिन सब खत्म हो गया, तो फिर ये जो आखिरी है वही खा रहे हैं। दीदी के कलर का ही गाड़ी है, हाँ। लगता है दीदी के लिए ही बना है। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, पर मुझे सब आ रही है। मुझे सोना, एक ही दिन छुट्टी होती है उसमें मुझे रिकॉर्ड और ये क्या करना पड़ता है, ये दुनिया भर चीजें। सही बात है यार, कह तो सही रही है लड़की। हम ना सोच रहे हैं मम्मी के बर्थडे में ना ये न्यू शॉप खुली है यहाँ से लेंगे, अभी वो खाली है ऑलमोस्ट। हाँ। हमने बहुत क्यूट क्यूट केक्स देखे अभी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, पर कोई बात नहीं, बर्थडे एक ही बार आता है। बाय द वे उसके बगल में ना इंडियन शॉप है और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी है और साथ में ये देखना ये एप्पल बना है यार, और ये वाला फ्लावर बना है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने इंडिया में भी नहीं देखा, ये वाला रहता है पर ये वाला नहीं देखा। हंसी आ रही है, मैंने क्या हुआ, बाहर आ रहे थे शॉप से, इतनी गंदी स्मेल आई ना जैसे कि किसी ने वहाँ पे पॉटी कर रखी है। कैसे आ सकती है वो स्मेल, लगता है सीरियसली किसी ने पॉटी की होगी वहाँ पे बाहर। भगवान मेरा नाक फट गया भाई, इस बंदे को 10 बार बोल चुकी हूँ बना लो भाई बना लो, आपकी क्या वीडियोग्राफर लग रही हूँ मैं यहाँ पे। आप हमारी वीडियोग्राफर ही हो, ऐसी शक्ल लेके ये नहीं बोलना था, ऐसी ही शक्ल है मेरे पास, क्या करूँ पागल लड़के। अभी हम आए हैं सबसे सस्ते शॉप में, मुझे ये लेनूड भी है यहाँ पे। हर चीज रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए बेटा, बोलिए कि ये 12 का ले गई, मैं होती तो ये 3 का ले जाती। ये सबसे बड़े कंजूस है हमारे घर में, पूरे खानदान में। देखो इसकी शक्ल देखो, ऊपर से नीचे तक देखो, धक्का हो गया गरीब। ये अपने क्रश जैसे दिखती है, अगर बता दो देखो इसका क्रश, इसको इमेजिन कर लो, बस नीचे के जो बाल है ज्यादा लंबे उसको छोड़ के ऊपर के बाल को इमेजिन कर लो, ऐसा दिखता है। हेलो एवरीवन, तो आज है सेकेंड डे और पता है आज ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको तो पता है कि कल 10th of January है और कल मम्मा का बर्थडे है, तो मतलब आज रात को हमें सेलिब्रेट करना पड़ेगा और ये गोबर सा दिमाग ही भूल गया कि हमें आज केक लेके आना था। और जिस शॉप से हम केक लाने वाले थे ना वो शॉप 5:30 बजे बंद हो गई और मुझे याद आया 5:39 में कि यार केक लाना था और अब मैं जा रही हूँ, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। आई एम सो मैड, मैं घर में थी और स्टिल मुझे याद नहीं आया। बाय द वे कोई भी घर में नहीं है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि मुझे डेकोरेट वगैरह करना है और केक भी लाना था, जो ये डम सा दिमाग नहीं ला पाया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लोज्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ऐसे बंद भी कर रखा है। आई होप कि वो खुला हो, भगवान जी थैंक गॉड ये खुला हुआ है, लेट्स होप कि वहाँ पे हो केक। दिस इज द शॉप और मैं ये वाला सोच रही हूँ लेने के लिए।
दिस वन। मुझे केक ना मिल गया, बट क्या था कि जो ओरियो वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसने बोला कि वो केक नहीं वो आइसक्रीम है। तो उन्होंने केक क्यों लिखा था उसमें मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे बहुत ही डम फील हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि और कोई केक है, तो उन्होंने बताया अलग अलग, एंड रिजल्ट ये रहा। मैं मैंगो केक लेके जा रही हूँ, दिखने में अच्छा नहीं है, होप सो खाने में अच्छा हो। तो अभी मैं फ्लावर ढूंढ रही हूँ, मैं गई थी एक शॉप में पर वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे, तो अभी मुझे फ्रेश फ्लावर्स ढूंढने दूसरी जगह। मैं ये फिल्म करना भूल गई थी, तो अभी ना ये मैं बलून फुलाने वाला ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पता नहीं कहाँ रखा था, याद नहीं आ रहा। एंड ये डेकोरेशन का किट, एंड बाय द वे आई टुक सम फ्लावर्स। मैंने यहाँ पर आई थी तो मैंने सोचा इसके लिए ना कुछ फोटोज निकालूँ, तो मुझे यहाँ से फोटोज निकलवानी पड़ेगी। गाइस दीज आर द पिक्चर्स आई सिलेक्टेड, अब मैं इसको प्रिंट करूँगी, पैसे दूंगी और फिर वो इधर से निकलेगा। आई एम सो एक्साइटेड, टू जीनियस। तो मुझे यहाँ पे स्कैन करना है इसको, तो मेरा नंबर है 375 और वो ट्रे 1 में आएगा यहाँ पर। फाइनली गाइज आई एम बैक होम, और इतनी गर्मी हो रही है ना उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। बाय द वे मैं सब कुछ लेकर आ गई, अब चलो जल्दी से सब कुछ रेडी कर लेते हैं। ओके, तो मैंने चेंज कर लिया और मैं अभी डेकोरेट करूँगी, और मैंने ये जो फ्लावर है वो मैंने इस वास में रख दिया, जो भी था ये डेकोरेशन का था या वास था हमारे घर में था, तो वैसे भी बहुत गर्मी है। एक्चुअली हमने ना पहले बैकड्रॉप खरीदा था ऐसे पार्टी वार्टी के लिए या फिर बर्थडेज के लिए, और वो पता नहीं कहाँ पे रखा है, मिल ही नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या करूँ अभी, जो भी है उससे काम चलाना पड़ेगा। भाई ये देखना, ये सब हटाना पड़ेगा और इधर भी डेकोरेट करना पड़ेगा, और आई एम अलोन, दीदी काम पर है। अभी मुझे दीदी की याद आ रही है, अब मुझे पता चला कि मेरे बर्थडे वाले दिन कितना मुश्किल हुआ होगा उसको, लाइक अकेले काम करते हुए, अकेले सब डेकोरेट करते हुए। पता नहीं मैं क्या करूंगी, आई होप कि सब कुछ अच्छा। फाइनली ये सब हटा लिया, अब चलो डेकोरेट करने की बारी। आई फाइनली गॉट इट, अब इसको निकालते और इनको लगाते। मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे अभी कुछ डेकोरेट नहीं किया। बाय द वे दिस वन लुक्स गुड, मेरे हिसाब से आई लाइक इट, व्हाट डू गाइस थिंक? ए फ्लावर गर्ल, थैंक यू। तो मम्मी और जवानों के आगे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ये रेशमा से निकल ही नहीं रहा, ये लो कैसा किक लाई, मम्मी तो आ गई, गिरा मत देना, आराम से रेशमा दोनों हाथ से पकड़। आ गई रिचू, देखो ना उसका बलून गिर गया, पता नहीं बर्थडे शुरू से पहले खत्म हो गया बर्थडे। चलो चलो आगे चलो, कैसा लगा? थैंक यू। यहाँ पे मैंने सबकी फोटो लगा रखी है और ऐसे सजा दिया। रेशमा ने क्या सब कुछ, कैसा लगा? सब तो शॉप थे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जाके देखो पास से, ये कब का है नीचे? कब का है, कब पहना था आपने साड़ी? इस बार गए थे जब, हाँ पहली बार जब आप चर्च गए थे इंडिया में। ये मेला का, ये तेरा बर्थडे का, ये नाना नानी, हाँ ये मैंने एल्बम से निकाली है, एक कम पड़ गया था। और केक कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मैंगो केक, मैंगो केक मेरे पसंदीदा। छुपके ना, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you, happy birthday mama, happy birthday mama। कैसा है, कैसा? अपना गिफ्ट तो लेते हुए जाओ। ओह ओह, एक्टिंग देखो, एक्टिंग जब पता था फिर भी ऐसा लगा। तो मम्मी अपना सबसे महंगा परफ्यूम खोलते हुए, हाँ। और प्रॉमिस करते हुए कि ज्यादा यूज नहीं करेगी, हमने डरा दिया मम्मी को। हाँ। ऐसा है, ये है मेरा गिफ्ट। स्मेल तो करो, स्मेल करो, स्प्रे करो, बहुत ज्यादा डर भी कर। वाह,
गाइस सुबह सुबह ये इतना बड़ा फ्लावर मिला मम्मी को, पापा ने दिया। अभी 2 मिनट में ट्रेन है और मैं पहुंच गई हूँ और मम्मी लोग तो उधर जा रहे हैं। देखो गाइस मुझे कौन मिल गया इतने दिन के बाद अचानक से। कहाँ है अभी इसको आवाज आ रहा, बाथरूम तक आवाज आ गया इनको। हाँ मम्मा वाह लड़का लग रहे हो। वो भी ले रही है उधर से। अभी हम आए हैं जूस लेने के लिए, हम चारों के लिए। यहाँ पे जूस बन रहा है हमारा। मम्मी यहाँ पे वेट कर रही है मेरे साथ और मीनू और रेशमा गए हैं उधर घूम के, आ चुके हैं खाने के लिए। हियर व्हाट वन से हाउ इज इट यम्मी। पता है बंद होने वाला था सब कुछ, हमें ये मिला है चिकन डंपलिंग और ये है फुल्ली लोडेड फ्राइज। कैसा लग रहा है मीनू? मम्मा बर्थडे क्वीन बर्थडे गर्ल है ये आजकल। कितने साल के हो गए मम्मी? क्या 16? हाँ 17 साल की होगी। 17 साल की और मैं 18 साल की हूँ। देखना कितना सुंदर लग रहा है मस्त। और हम अब यहाँ पर आए हैं सिफोरा। एक फोटो नहीं लिया, फोटो नहीं लिया हमने, हमें फोटो भी लेना है। अब हम जा रहे हैं क्वीन विक्टोरिया मार्केट, समर मार्केट लगा है ना वहाँ पर। और मीनू ऑलरेडी चली गई घर, सो क्राउडी है ना, बहुत छोटा लग रहा है मुझे पहली बार से। और यहाँ पे स्ट्रीट में है भाई, इस बार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है पता है। और अभी हम कोई शो देख रहे हैं। हाँ और ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं क्योंकि हमें इधर से दिखाई नहीं दे रहा, हम बहुत ही छोटे हैं कद में। मम्मी को देखो पूरी ऐसे डेडिकेटेड होकर देख रही है, इतने पीछे थे इतने आगे पहुँच गई है और देख रही है। अब हम जा रहे हैं अंदर और भाई यहाँ पे मम्मा गन्ने का जूस है पीना आपको बाद में पी। ओके कुछ और देखते हैं चलो। Look at them. नाम देखो इधर, बस खाने का ही स्टॉल था और इधर कुछ खरीदने वरीदने का है। लग रहा है गांव का जो वो होटल नहीं होता, होटल में गुलगुला मिलेगा। बना रही है गाइस। There we go. A razor sharp doggy boot of death and destruction. We have a minute to show. गन्ने का जूस ले मम्मी, सेम है बहुत अच्छा है। हाँ सब लोग वही पी रहे, सब लोग वही पी रहे हैं तो मम्मी ने भी वही पिया। गन्ने का जूस मेरे को तो अलग लगा इंडिया वाले से, आपको तो मजा आ गया, बहुत अच्छा है पता नहीं मेरे को तो अलग लगा।